साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्प रहने वाला है। और दोस्तों घर बैठे अगर आप ऐप दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आप सभी के लिए बम्पर ऑफर चल रहा है। BSF सफलता बैच लेके आ चुका है। आपको हमारा ऐप को डाउनलोड करना है, डिफेंस एजुकेशन BSF ऐप को डाउनलोड कर लेना है ओनली फॉर 100 रुपये में। दोस्तों 100 रुपये के अंदर दोस्तों देखेंगे 100 रुपये के अंदर 100 प्रैक्टिस सेट, कितने 100 प्रैक्टिस सेट, और 1000 स्टूडेंट को विशेष छूट दी जा रही है। आप हमें 9461041363 पे मैसेज कर लीजिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं, या फिर इस ऐप को डाउनलोड करके सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और ये आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें जो आपकी रैंकिंग आए दोस्तों वो रैंकिंग आप में इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें कि पहली रैंकिंग, दूसरी रैंकिंग, तीसरी रैंकिंग। CISF के लिए, किसके लिए दोस्तों? CISF की तैयारी कर रहे उन स्टूडेंट के लिए जरूर मौका है। और उनको 1000 स्टूडेंट को हम मात्र 100 रुपये में आपको पेपर दे रहे हैं, क्लियर। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों अच्छी वैकेंसी है और आप इसे फाइनल भी हो सकते हैं। कुल मिला के हमने 70+ पेपर हमने करवा दिए हैं, 30 पेपर बाकी हैं, वो भी हम जल्द से जल्द आपको करवा देंगे। और व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर दीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी टीम आपके लिए लेके आ रही है, जिससे कि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस हम दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, क्या सही है यहाँ पर आएगा दोस्तों, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखेंगे 6 × 6 36 + 15 कितने हो रहे हैं दोस्तों? 51 हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 12 का कितना है, 144 + 13 कितना, 157 राइट आंसर। देखिए 5 का कितना हो रहा है, 25 + 7 कितने हो रहे, 32 हो रहे। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको करना है। लेकिन अगर आप ये प्रश्न ऐप के अंदर करोगे तब आपको अलग समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ अपनी ईमानदारी से क्वेश्चंस आपको करना है, तब आपको पता चलेगा कि मेरा क्या फॉर्मूला है, मेरी स्थिति क्या है, वो आपको पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक गडरिया के पास में 17 भेड़े थी, देखिए सभी लेकिन 9 मर गई, कितनी मर गई दोस्तों? 17 थी, 17 में से 9 तो मर गई। अब उसके पास देखिए क्या है, कुल कितनी जीवित है, मरी कितनी 17, 17 मर गई, पीछे कितनी बची दोस्तों? हो गया प्रश्न का एनालिसिस, कुछ करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा प्रश्न का उत्तर, आप हमें भी बता सकते हो। 17 में से 9 गए, पीछे कितने बचे? 17 मर गए, 7, 8, 9 कितने बचे? 8 बचे दोस्तों, कितने बचे? 8 बचे। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम की दृष्टि से, और ऐसे प्रश्न आपको कोई नहीं कराने वाला, क्योंकि ये सवाल एक अलग तरीका का सवाल है। देखिए क्या सवाल क्या है, सवाल एक अलग तरीके का है, क्या है? बत्तखों की न्यूनतम संख्या क्या है यदि वे इस प्रकार क्रमशः तैरती हैं, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख और 2 बत्तख के पीछे 2 बत्तख और 2 बत्तख के बीच में 1 बत्तख, बताइए। ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों, और जो वीडियो देखेगा प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो 9461041363 में स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सएप कीजिए कि सर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं, लॉजिक प्रश्न देना है और प्रश्न का उत्तर आपको देना है, क्लियर। तो देखेंगे बिल्कुल दोस्तों, ध्यान रखना। और ये प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सभी लेकिन 9 मर गई, बताइए उसके पास जीवती है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर लोगे। ये प्रश्न मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, ये प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर काफी हेल्प मिलने वाली है भैया, और मैं ऐसे प्रश्न करवाऊंगा। और दोस्तों अगर आप 100 रुपीज वाला पेपर अगर आप ज्वाइन कर लेते ना पेपर, तो वहां से भी बहुत सारे हेल्प आपको मिलने वाले। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखिए, शीला मीना से बड़ी है दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, जो शीला है वो मीना से बड़ी है, मीना 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 से क्या है, बड़ी है, कौन? शीला।
अब देखेंगे, कामिनी नीलम से बड़ी, क्या है नलिनी, नलिनी नलिनी जितनी बड़ी है, कौन कौन दोस्तों, कामिनी, तो ये हो जाएगा कामिनी, क्या हो जाएगा कामिनी। नीतू सिंधु से छोटी है, कौन सी दोस्तों, सिंधु से छोटी कौन है, नीतू है, जो नलिना के बराबर है, कौन नलिना से, नलिना से बराबर कौन है भैया, नीतू है, कौन है भैया, नीतू है, तो नीतू से ऊपर कौन आ जाएगा, सिंधु। जो मीना कामिनी से बड़ी, दोस्तों मीना कामिनी से बड़ी है, कामिनी, कामिनी से बड़ी कौन है भैया, मीना है, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, शीला, शीला के नीचे मीना, ये दोनों बराबर ये चलेगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है, बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर, आराम से प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। राजनीति की कवि और महिला है, बताइए मेरे को अच्छे से, कोई दिक्कत वाली प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है, तो इसमें देखेंगे आप ये हो जाएगा, क्योंकि ये कविता भी है, राजनीतिक भी है, महिलाएं भी हो सकती हैं, राजनीतिक महिला भी हो सकती है, तो ये महिला, कुछ महिलाएं राजनीतिक हैं, इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, देखिए निम्न आकृति विचार कीजिए, यदि बताइए कौन सी भिन्न आकृति अलग है, कौन सी इनमें से कौन सी आकृति अलग है, देखिए ये दोनों बीचों बीच काटती है, ये भी दोनों के बीचों बीच है, लेकिन ये अलग काटती है, तो हो गया प्रश्न का अलग आंसर, क्लियर। अगला देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांच पुस्तकें दे रखी, कितनी दे रखी है, पांच पुस्तकें, ए से ऊपर है, ए से ऊपर कौन है, ये बी के नीचे, बी के नीचे कौन है, सी, बी के ऊपर, बी के ऊपर कौन है, ए, सी के नीचे, सी के नीचे कौन है, डी, तो सबसे नीचे कौन सी होगी, डी होगी, और सबसे ऊपर कौन सी होगी, ई होगी। जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे प्रश्न का उत्तर आप हमें देते रहिए दोस्तों, आराम से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये प्रश्न तो आसान प्रश्न है, बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, क्या दे रखा है, शब्द के अक्षरों का वैकल्पिक नहीं बनता है, क्या लिखा, लक्ष्मण नहीं बनता है, देख कौन सा नहीं बन रहा है, इसमें देखिए ओ दो प्रकार आ रहा है, तो इसी में भी एक और दो आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे सी आ रहा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न का राइट आंसर, सी ओ एम आर आई, यहाँ पर आई एस ई, तो ये तो कॉमर्शियली बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब उसमें जो आगे देखेंगे पी, पी आ गया, ई आ गया, एन आ गया, एस आ गया, ये भी बनेगा, ओ आ गया, ओ दो बार आ गया, एन आई, एन आ गया, आई ये एन दो बार, ये भी बन जाएगा, लेकिन अब जो अंत में कौन सा रहा दोस्तों सी, इसे हम देखते हैं कि ये बनता है या नहीं, ये देखेंगे जी, पी है, क्या है, पी है, आर ई है, अब ए यहाँ पर ए नहीं है, क्या है, ए नहीं है, तो बनता क्या है, नहीं बनता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैसा का वैसा प्रश्न है, लेकिन अब की बार क्या दे रखा, विकल्प में बनेगा, क्या दे रखा, विकल्प में बनेगा, कौन सा देखेंगे, अब पहले क्या बोला नहीं बनेगा, तो इसमें देखिए यू दो बार है, लेकिन इसमें हेड है, तो ये तो बनेगा नहीं, इसमें देखेंगे यहाँ पर देखिए टी दो बार है, क्या टी, तो टी यहाँ पर भी, टी यहाँ पर एक, टी यहाँ पर भी दो बार, चलिए एक एक चीज मिलाएंगे, यहाँ पर ओ दो बार है, लेकिन ये भी नहीं बनेगा, ये भी कट, ये भी कट, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर देखें ए पी, पी दो बार का है, यहाँ पर लिखा दो बार, अब पी 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 दो बार नहीं है, तो ये भी कट गया, अंत में कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आज ऐसे ही मैंने प्रश्न लिखा है जो आपके एग्जाम के अंदर कम से कम एक दो प्रश्न आएंगे। एक वर्ताकार है, दो चार छः, यस तीन, क्या दे रखा है, एन है आर और ओब के बीच है, कोई जरूरी नहीं, अब सवाल यहां से शुरू करना दोस्तों, पी के बाएं, दोस्तों पी, पी के बाएं कौन बैठा है, आर बैठा है, क्या बैठा है, पी के बाएं कौन बैठा है, आर बैठा है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, अब देखेंगे दोस्तों आर और ओ के बीच, आर और ओ के बीच कौन बैठा, एन बैठा है, अब देखेंगे क्यू और पी, Q और P के बीच कौन बैठा, M बैठा है, तो M और R के मध्य, ये देखिए M और R के मध्य कौन बैठा है, P बैठा है,
यस सीधा प्रश्न, राइट आंसर। क्लियर। ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों को। चलिए यहां पर देखेंगे, एक इंटरव्यू चल रहा है शख्स, जैसे अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमारे ऐप के अंदर टेस्ट चल रहा है, मैं बोलूंगा विजय नाम का लड़का ऊपर से तो 36वां है और नीचे से 15वां है, तो इनको जोड़ लूंगा, हसल की 1 और 3 4 5 और माइनस में 1 कर लूंगा, कितना देगा 50। तो मैं बोलूंगा कि भैया कि ऊपर से तो 36वां नीचे से 15वां, तो कुल कितने लड़के हो गए मेरे पास, 50 अभ्यर्थियों ने टेस्ट दिया। क्या दिया? 50 अभ्यर्थियों ने टेस्ट दिया। बिस्कोर इस प्रकार से प्रश्न करना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर। सवाल कह रहा है कि टाई है, कमीज है और पतलून है, तीनों अलग अलग है, टाई कमर तीनों अलग अलग है या एक जैसा नहीं, तीनों अलग अलग है, तो आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न को देखिए, जैसे मैंने जो पहला क्वेश्चन किया था वैसा देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 7 का क्या हो रहा है, 49 हो रहा है, और उसके बाद देखेंगे 9 का क्या हो रहा है, 81 हो रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे 11 का क्या हो रहा है, 121 हो रहा है, 13 का क्या हो रहा है दोस्तों, 13 का क्या आएगा, 13 × 13 169, क्या हो जाएगा 169। चलिए ये वेन आरेख है, अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है, वह युवक जो नौकरी करता है पर शिक्षित नहीं है, क्या वह युवक जो नौकरी करता पर शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं। अब इसमें इसमें जो अपडेट है वो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि नौकर कौन सा है, ये नहीं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, इसमें हम क्या दो भी आ सकता, चार कोई निर्धारित नहीं कर सकते, तो मैं ये इसे राइट कर सकता हूँ। और दोस्तों ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप को डाउनलोड करें डिफेंस एजुकेशन को, मात्र 100 रुपये के अंदर आपको 100 पेपर दिए जा रहे हैं, आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इस पेपर आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। अब अभी हम CISF की बात करें, CISF के लिए, BSF के लिए, क्लियर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर जरूर करें। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।